बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, SQS Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। जी हां, थाना चौबिया क्षेत्र के अंतर्गत गंगापुरा गांव में अपहरण के मामले में पिछले 10 वर्षों से फरार चल रहा 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार बदमाश का नाम ब्रजमोहन है, जो कि थाना जसवंत नगर से पिछले 10 वर्षों से अपहरण के मामले में फरार चल रहा था। आपको बता दें कि थाना चौबिया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इनामी बदमाश ब्रजमोहन बाइक से गुजर रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने गंगापुरा गांव में असित इंटर कॉलेज के पास वाहन चेकिंग करना शुरू कर दिया। इसी दौरान मसनाई वाली रोड की तरफ से एक बाइक सवार आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने बाइक सवार को रुकने का इशारा किया। पुलिस देखकर बाइक सवार भागने लगा, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने बाइक का पीछा किया। पुलिस को अपने पीछे आता देख बाइक सवार ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस की गोली से बाइक सवार बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। आइए जानते हैं क्या कहना है SP ग्रामीण ओमवीर सिंह का। इंस्पेक्टर चौबिया को एक सूचना थी कि उनके क्षेत्र में एक मसई गांव है, वहां पे कुछ बदमाश एकत्रित हो रहे हैं। हमारे जनपद में इस सूचना के तहत चेकिंग भी चल रही थी। जब गांव में से एक मोटरसाइकिल निकली तो इंस्पेक्टर चौबिया ने उसका पीछा किया, रोकने का प्रयास किया, वो नहीं रुकी क्योंकि पूर्व सूचना थी। स्वाट टीम को इन्फॉर्म किया गया। आगे से स्वाट टीम को आता देख कर बदमाश ने अपने आप को घिरा पाया, उससे सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी ने भी फायरिंग की, जिसमें उस बदमाश को गोली लगी, घायल हो गया। बाद में पूछताछ में उसने बताया कि उसका नाम ब्रजमोहन सन ऑफ काशी राम है, जो पड़वा गांव का रहने वाला है तथा विगत 10 वर्षों से फिरौती हेतु अपहरण के मामले में वांछित और इनामी चल रहा था। वर्तमान में उस पर 25,000 का इनाम था। इसे तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया तथा इसके द्वारा अन्य जो अपराध किए गए हैं 10 साल के, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। हो सकता है कुछ अन्य घटनाओं का खुलासा हो। ये एक अच्छा काम चौबिया पुलिस और स्वाट टीम ने किया है। साथ ही जानते हैं जिला अस्पताल डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव क्या बता रहे हैं। ये ब्रजमोहन नाम का एक पीछे से पैर में गोली लगी है और स्टेबल है, हालत में ट्रीटमेंट किया जा रहा है। क्या बताया गया है कि वो है क्या मुठभेड़ हुई है क्या? हाँ, पुलिस मुठभेड़ है, पड़ुआ गांव का रहने वाला है, सिविल लाइन थाने। कहाँ की मुठभेड़ हुई थी ये पुलिस वालों बताएंगे आपको कहाँ हुई। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए FirstBite.TV।